रीजन जो फीमेल्स में होती है, अगर वो गिरी नहीं है, उनका क्लेविकल फ्रैक्चर नहीं है, ये एक्स्ट्रा रिब नहीं है, हैवी बैग कैरियर, शोल्डर पे जब आप बहुत हैवी बैग को कैरी कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी ये वाले जो रीजन के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दब जाते हैं। बॉयज में जो शोल्डर बैग का ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, उनकी वजह से भी उनके यहाँ पे थोरेसिक रीजन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। वो दबाव डालने की वजह से, हैवी बैग को मुसलसल कैरी करने की वजह से भी ये जो है प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अब सबसे बड़ी चीज है इसकी रिकवरी। तो पहला पॉइंट आ जाता है अपना लाइफस्टाइल में चेंज करना। अगर आप बैग कैरी कर रहे हैं वन साइड ऑफ शोल्डर, तो कोशिश करें एक साइड पे मत करें, दोनों साइड पे करें, ठीक है, ताकि आपके दोनों साइड के शोल्डर्स पे इक्वल प्रेशर रहे और आपका एक साइड पे ज्यादा प्रेशर ना मिले, जिसकी वजह से आपको थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ना। नंबर 2, उस जगह